Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. अगले दिन जब दरवाजे की घंटी बजी तो सिकंदर साहब की सलावातों से बचने के लिए अब्दुल्ला ने फौरन जाकर दरवाजा खोल दिया। अरे सुबह बखैर अमान भाईजान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्दुल्ला, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर चाचा का मूड सुबह से खराब है। अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा प्लीज आज ना आप मेरा मोबाइल देख के जाइएगा। इतने में घर के अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला कौन आया है? सिकंदर साहब को जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने बताया, अरे वो कंप्यूटर वाले भाईजान जो कल आए थे वही आए हैं। अरे तो दरवाजे पर क्यों खड़े हो, उनको लेकर अंदर आओ ना। अमान की खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद सिकंदर साहब ने पूछा, क्या कहा कंपनी वालों ने? अमान ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया, सर मैं आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आया हूँ। इट्स एन एक्सचेंज ऑफर सर, हम आपको इस पुराने कंप्यूटर के बदले एक ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट लैपटॉप देंगे, जिसमें अमान की बात काटते हुए सिकंदर साहब ने कहा, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। उनके साफ इनकार करने पर अमान ने अपने बैग से एक ब्रांड न्यू बॉक्स पैक्ड लैपटॉप निकाला और उन्हें दिखाते हुए कहा, लेकिन क्यों सर, इट हैज ऑल आर लेटेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और इसमें सारी न्यू एप्स भी हैं। सिकंदर साहब ने लैपटॉप की तरफ बिना देखे ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे ये ऐप वैप समझ नहीं आते प्लीज। अमान ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, अरे सर आप यूं सीख जाएंगे, आई विल हेल्प यू लर्न एवरीथिंग, पर मुझे चाहिए ही नहीं ना। सर इस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए है। ये सुनकर सिकंदर साहब बरहम हो गए और कहा, इतना महंगा लैपटॉप, मैंने इसीलिए अपने बेटे को मना कर दिया था। 4 लाख रुपए, इतने में तो पहले घर बन जाया करते थे। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन हम आपसे 4 लाख रुपए नहीं मांग रहे, आपको सिर्फ 50,000 देने होंगे। अच्छा और मुझ पर यह मेहरबानी क्यों? सिकंदर साहब ने शक करते हुए पूछा। सर वो इसलिए क्योंकि इत्तेफाक से आपका ये कंप्यूटर हमारी कंपनी का पहला मैन्युफैक्चर्ड मॉडल था और आप हमारे फर्स्ट 100 कस्टमर्स में से थे, इसलिए हम इस कंप्यूटर को आपके पास से ले जाकर अपनी कंपनी के आर्काइव में रखना चाहते हैं। ये सुनकर सिकंदर साहब गुस्से से खड़े हो गए और बोले, आई डोंट बिलीव यू, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, 4 लाख की चीज 50,000 में कौन देता है, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? रुको मैं अभी अपने बेटे से बात करता हूँ। ये कहते हुए सिकंदर साहब ने लैंडलाइन का रिसीवर उठाया और अदील का नंबर डायल किया। हेलो अदील बेटा, अमान आया हुआ है कनेक्ट हब से, कह रहा है कोई एक्सचेंज ऑफर है, 4 लाख का नया लैपटॉप सिर्फ 50,000 में दे रहा है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। क्या जेन्युइन ऑफर है? तुम्हें कंपनी की तरफ से ईमेल भी आई है? अच्छा तुमने पेमेंट भी कर दी है? ठीक है बेटा मैं समझ गया, थैंक यू। फोन रखकर सिकंदर साहब बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें हिचकिचाता हुआ देखकर अमान ने कहा, दुनिया में आज भी जेन्युइन लोग मौजूद हैं सर। ये सुनकर सिकंदर साहब पहली बार अमान के सामने मुस्कुराए और उससे पूछा, बेटा चाय पियोगे? श्योर सर व्हाई नॉट, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका नया लैपटॉप भी हाथ के हाथ सेट कर देता हूँ। जितनी देर में अब्दुल्ला चाय बनाकर लाया उतनी देर में अमान ने लैपटॉप सेटअप करना शुरू कर दिया। नए लैपटॉप को देखकर अब्दुल्ला ने कहा, अरे वाह कैसा चमक रहा है ये लैपटॉप, नई चीज की तो भाई बात ही कुछ और होती है, घर में रौनक ले आती है। अमान ने अब्दुल्ला की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, घर में भी और जिंदगी में भी रौनक ले आती है।
Here you go, sir. Your new laptop is ready to use. Congratulations! सिकंदर साहब ने थोड़ा सा घबराते हुए कीबोर्ड और माउस पैड पर अपनी उंगलियां रखते हुए अमान से पूछा, इसमें उर्दू में टाइप करने वाला सॉफ्टवेयर है क्या? मैं उर्दू में टाइप करना पसंद करता हूँ। श्योर सर, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने इसमें दूसरी एप्स भी इंस्टॉल कर दी हैं। सर, आपकी एक फोटो मिलेगी? अमान की इस दरख्वास्त पर सिकंदर साहब ने पूछा, क्यों, उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए फोटो चाहिए होती है क्या? नहीं नहीं सर, फोटो इसलिए चाहिए क्योंकि आपका एक फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। आपने नाम तो जरूर सुना होगा, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सुनकर सिकंदर साहब का चेहरा फिर से संजीदा हो गया। मुझे सब पता है इस फेसबुक के बारे में, फेक न्यूज की बुक है ये ऐप, फसाद की जड़। सारा दिन इस पर लोग अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं, लोग फोन में से आंखें ही नहीं निकालते हैं। चार दोस्त मिलते भी हैं तो बातें करने की बजाय फोन में ही लगे रहते हैं, इसीलिए मैं मोबाइल भी यूज नहीं करता हूँ। सिकंदर साहब की इस राय से इख्तलाफ करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, भाई मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, घर कॉल करने में बहुत सहूलत हो जाती है। आजकल मोबाइल के बिना अपने प्यारों से राब्ता रखना मुमकिन ही नहीं है। भाईजान, आप इनकी बात बिल्कुल मत सुनना। मैं तो कहता हूँ आप फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ साथ वो कौन सी ऐप है लाल बटन वाली, वो यूट्यूब, हाँ वो भी डाल देना। जब देखो तब उस पुराने घिसे पिटे कैसेट प्लेयर पर नूरजहां के गाने सुनते रहते हैं। यूट्यूब पर नए गाने सुनेंगे तो बोर भी नहीं होंगे। इस मशवरे पर सिकंदर साहब ने अब्दुल्ला को आंखें दिखाई और बोले, अब तुम बस भी करो अब्दुल्ला। चचा, मैं तो आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, भागी जैसी आपकी मर्जी। सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अमान के इस सवाल पर कुछ लम्हों के लिए सिकंदर साहब खामोश हो गए, मानो जैसे माजी की किसी याद में खो गए हों। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, कितने अरमां हैं किस सहरा में, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब। 25 अप्रैल। कैफी आज़मी के इस शेर पर अमान ने मुस्कुराते हुए कहा, 25 अप्रैल यानी 4 दिन बाद आपका बर्थडे है सर। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले हिस्से का।